एक और मुद्दा जो जिसको हम डिस्कस करते हैं कि हमारे मॉडर्न इंडिया के मॉन्यूमेंट्स जो है वो मॉल्स हो गए हैं। जहाँ देखो मॉल्स ही मॉल्स बिखरे पड़े हैं। पहले हमारे गांव से रिश्तेदार आया करते थे, बोलते थे कि भी हमें घुमाने लेके जाओ लाल किला, पुराना किला, कुतुब मीनार। आज के रिश्तेदार आते हैं कहते हैं मॉल लेके जाओ हमको, मॉल घुमा। लोगों की लड़ाइयाँ हो गई कि जब से उसके घर के बाहर सेलेक्ट सिटी वॉक खुला है ना, उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। इस तरह से लोग रिश्तेदार बात करने लगते हैं दूसरे से। और मैं तो बोलता हूँ कि जैसे कोई भी सिविलाइजेशन दूसरे सिविलाइजेशन पर अटैक करता है तो सबसे पहले उसकी कल्चरल हेरिटेज को ख़त्म करता है, ताकि जो यूथ है वो क्लूलेस हो जाए अपनी आइडेंटिटी के बारे में। हिंदुस्तान पे अगर कोई हमला करे, मरीन्स अगर इधर लेके आए अपने हमर्स हम्बीज जिसे उनको कहते हैं, तो उन्हें कुछ डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं। ये मॉल्स ख़त्म कर दें अगर सारे के सारे, तो हमारा यूथ क्लूलेस हो जाएगा, मैं जाऊँ कहाँ, वेयर डू आई बिलोंग। तो वो जो मॉल कल्चर है उसको उसको बड़े प्यार से अटैक करते हैं, क्योंकि आपने देखा वो हिंदुस्तानी फैमिलीज पूरी की पूरी फैमिली वीकेंड पे मॉल में जाती हैं। और वो एक तो हमें चलने की तमीज़ तो है नहीं एज इंडियन, तो हम पूरा रास्ता घेर के पूरी फैमिली चलती है, पीछे कौन आ रहा है कोई मतलब लेने देना नहीं है। और वो दुकानों के बाहर ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में बनवाया था ये, और ये जो शाहजहां ने फलां उसने बनाया था, ऐसे उसको एडमायर कर रहे होते हैं। तो ये मॉडर्न इंडिया के यही हुआ है, जहाँ देखो मॉल मॉल खुले, मैं तो सोच रहा हूँ बस इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं इन पे खर्च करने के लिए, चलते कैसे लिए? FM बोले तो, Radio City 91.1।